रायगढ़ धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। इसी बीच जंगली हाथियों के द्वारा लगातार उत्पात मचाते हुए ग्रामीणों के घरों व फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। हाथी और मानव के बीच द्वंद्व में धरमजयगढ़ वन मंडल में 2001 से लेकर अब तक 151 लोगों की मौत हाथी के हमले से हो चुकी है। इसी के तहत बीती रात लगभग 11 बजे धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेटरबार निवासी दिलीप हलदार को जंगली हाथी ने कुचलकर मार दिया है। वहीं धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ अभिषेक जबकात का कहना है कि वन विभाग के द्वारा हाथी और मानव के बीच द्वंद्व को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसके तहत हाथी का दैनिक गश्त की जाती है, नियमित पेट्रोलिंग की जाती है। गांव वाले के सहयोग से हाथी मित्र दल का सहयोग मिलता रहा है। निरंतर हाथियों की निगरानी की जा रही है, जिससे जंगली हाथियों की आमद की खबरों से ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता है। डीएफओ ने यह भी कहा कि हाथी और मानव द्वंद्व रोकने हर साल जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।